अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूर के बारे में बताऊंगा जो आजकल बाईपास करने के लिए काफ़ी जो मशहूर टूर चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है आईफोन के आईक्लाउड बाईपास आजकल उसी से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही बात होती है कि वो विदाउट सिग्नल बाईपास होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको बहुत आसानी से आपका कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, जैसा कि पहले आप जानते थे। एक तो वो जो बाईपास करते हैं सिग्नल के साथ, उसका जो है प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वो वैसे भी मुनासिब नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैसा पे करें इस चीज़ के लिए। तो अभी एक और टूल है और उसका न्यू वर्जन आया हुआ है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको उस टूल के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा आपने उसका ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और किस तरीके से आपने उसको चेक करना होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और इसके लिए आपको किसी भी बंदे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये अपना ऑर्डर प्लेस करना है तो हमारे साथ थोड़ा सा रब्ता करो, ठीक है, या कोऑपरेट करो। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करवाएंगे या किसी मोबाइल शॉप के ज़रिए, तो वो आपसे वैसे भी अपने भी कोई ना कोई चार्जेस आपसे ले लेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह का काम नहीं करना। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर चले जाना, ठीक है। आपने हम अपने अभी आ गए हैं पीसी पे, तो यहाँ से हम अपना जो है वो ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रा आसानी रहेगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे साइट लिख लेनी है, gsmfastest.com, ठीक है। ये ऊपर स्पेलिंग देख लें, ये वाली साइट आपने लिख लेनी है। तो जब इसको आपने ओपन कर लेना तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। वो बाकी आपके इंटरनेट की स्पीड पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ओपन कर दे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर लेना, अगर आपका इस अकाउंट पे या इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ आपने, तो वो भी बहुत इजी बन जाता है, उसमें भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपने साइट ओपन कर ली, उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली अपना नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड रखना है, या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालना है, अपनी कंट्री का बताना है आपने कौन सी कंट्री में है, उसका फ़ोन नंबर देना है, और अपनी जो है करेंसी वो सिलेक्ट कर लेनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे ये एड्रेस है जिनके आगे स्टार स्टार लगा है, ये सब कुछ लाजमी है। लेकिन इसमें आपने एड्रेस अपना दे सकते हैं, आपका वो कुछ भी मिस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने बाद में क्लिक करके आई एम नॉट रिबोट पे क्लिक करके आपने इसको साइन अप कर लेना है। अभी उसके बाद आपने फिर इसको दोबारा से जब लॉगिन कर लेंगे, मैं पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अभी आपने टिकटॉक वगैरह पे देखा होगा, लोग बोलते हैं जी ऑर्डर प्लेस करना हो तो हमारे पास आए, हमसे अपना ऑर्डर प्लेस करवाएं। जी आपने अपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास कार्ड है, कार्ड नहीं है तो आपके पास आजकल बाइनेंस तो पाकिस्तान में हर कोई बंदा यूज़ करता है, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास इजी पैसा जैश कैश होगा, उससे भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बंदा पाकिस्तानी है और दुबई में इसकी काम है, इसका सारा सेटअप है, तो उसने काफ़ी सारे मेथड इसमें ऐड किए हुए हैं पैसे ऐड करने के। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो सिंपली आपने इसको, आप देख रहे हैं ये माय अकाउंट लिखा हुआ है राइट साइड के ऊपर, इस पर आपने क्लिक करके ऐड पे एडिट पे क्लिक कर लेना है आपने। यहाँ पे मैं आपको मेथड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने कम से कम जो है जो $10 है वो आपने यहाँ से पे इस पर ऐड करने होते हैं, ठीक है। इससे कम में जो है आप इस पर ऐड नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे ये देख से नीचे जो भी सिस्टम है ये बाइनेंस पे से कर सकते हैं, USD वॉलेट है, ठीक है, गेट IO है, और ये वीज़ा मास्टर कार्ड से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा पेपाल है, स्क्रिल भी है, ठीक है। ये बैंक ट्रांसफ़र पाकिस्तान का लिखा हुआ है, ये USA बैंक ट्रांसफ़र है, ये बैंक ट्रांसफ़र UAE का है, दुबई का, और ये चाइना का भी, ठीक है। ये सब कुछ उसने दिया हुआ है, ये ई वॉलेट भी है, एक्सचेंज भी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट पाक आप जब सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी फिर उससे जो है वो पेमेंट हो जाएगी। और ये थोड़े से अपने वो जो भी इनका चार्जेस बनता है जो ऐड करने वगैरह का, वो थोड़ा सा चार्जेस उसका होता है, ठीक है। वो भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है। अगर अभी मैं ये कार्ड के ज़रिए करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरा जो है $10 पे मैंने कितनी फ़ीस ये ले रहे हैं जी,
0.69 सेंट ले रहे हैं, ठीक है, पूरा 1 डॉलर भी नहीं होता, यानी कि पौना डॉलर लगा लें, इतनी इनकी जो है वो चार्जेस फीस होती है। तो जब आपने ये काम कर लेना, तो उसके बाद आपने जब आपकी जो एक वो बन जाएगी रिसीट, ठीक है, क्योंकि तो जब आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना पेमेंट के लिए, तो उसके बाद ये आपसे वो कुछ ना वो कंफर्म करेगा आपका एड्रेस वगैरह जो भी आपने पहले देना है उसमें रजिस्टर करते वक्त, वो सब कुछ आपसे कंफर्म करेगा, जो है आपकी कंट्री कंफर्म करेगा, और उसके बाद वो आपकी पेमेंट वो उसकी एक रिसीट बन के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी रिसीट बन जाएगी ना, उसके बाद आपने माई अकाउंट्स पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ये इनवॉइस बाय क्लाइंट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी जो है वो जो होगी आपने पेमेंट की होगी, यहाँ पे जैसे ये पेड लिखा हुआ है तो इसके आगे जो है ये पेड की जगह रिव्यू लिखा आएगा, ठीक है। जैसे ही वो रिव्यू कंप्लीट करेंगे आपको एक नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा इसके एडमिन का, ठीक है, वो जब आप करोगे ना आपकी रिसीट जब बनेंगी, तो तब आपको वहाँ पे ही उसका एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आपने उसकी एक पिक्चर लेके उस बंदे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है, इनवॉइस नंबर सेंड कर देना, जैसे ये नंबर में लिखा हुआ ना ये 3411 3 है, ठीक है, ये आपने उसको नंबर भी सेंड कर देना, इस तरह का आपके सामने जो आएगा तो वो जितनी जल्दी हो सकेगी आपकी पेमेंट इसमें ऐड कर देंगे। तो एक दफ़ा जब आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपने यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर लेना है, उसके नीचे ये सर्वर ऑर्डर है, ठीक है, सर्वर सर्विस, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे ये चूज़ है जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने लिखना है IC, ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो आईफोन वाला सिस्टम होगा वो IMEI नंबर पे होगा, ठीक है, IMEI सर्विस, जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो IMEI सर्विस आपके सामने आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, ये सबसे पहली जो है IMEI सर्विस, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये सिलेक्ट पे जाके आपने जब IC लिखना है, तो ये देखिए आपके सामने ये आ गए हैं। अभी इसकी दो सर्विस हैं, एक है जो सिग्नल भी आपको देगा और एक है विदाउट सिग्नल का, विदाउट सिग्नल के पैसे जो हैं वो थोड़े से कम होंगे, सिग्नल वाले के पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं आईक्लाउड बाईपास टूल 6S से लेके ये X तक है, जो सिग्नल के साथ आपको मिल रहा है, ये आपके जो क्रेडिट लिखा हुआ 19 क्रेडिट, यानी कि अगर आप iPad 7 है ये इसका करोगे तो ये आपको $19 लगेंगे इसके, ठीक है, और अगर आप iPhone 8 करते हो तो उसके $23 हैं, वो आपकी सिम वगैरह चलाएगा। अभी थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ये आगे आपके और भी इसकी जो है वो आ जाएंगी, जितनी भी इनकी सर्विस है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपने ये देखना है कि अभी ये लिखा हुआ जी iPhone XR 15 Pro Max, ठीक है, विदाउट सिग्नल, ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है iPhone XR से लेके iPhone 15 Pro Max तक आप यहाँ पे iCloud बाईपास कर सकते हो, लेकिन विदाउट सिग्नल आपकी सिम नहीं चलेगी। और पाकिस्तान में वैसे भी सिम कौन चलाता है, PTA प्रूव होते नहीं है, नॉन PTA होते हैं, सारे PTA प्रूव करवाने जाए तो वो फ़ायदे नहीं होता। और ये आगे इनकी प्राइस लिखी हुई है, जैसा कि लिखा हुआ iPhone 11 विदाउट सिग्नल जो है वो 37.50 क्रेडिट, ठीक है, यानी कि $37.50 में आपका वो मोबाइल होगा। और ये नीचे की सारी ये जो भी मॉडल है उसके आगे उनकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, ये iPhone 15 है, 15 Pro Max है, 14 Pro Max है, 14 Pro है, 14 Plus है, 14 है, ठीक है, 15 Pro इसमें अभी तक मॉडल नहीं उन्होंने मेरे हाथ से ऐड किया, बाकी सारे की हो रहे हैं शो, ठीक है, हाँ 15 Pro नहीं अभी तक इसमें ऐड हुआ, लेकिन बाकी इसमें ऐड है, बाकी ये सारे मॉडल आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी इसका तरीका कर क्या होता है सबसे पहले आप लोग बहुत देखोगे कि हमने यहाँ टूल लेना कहाँ से है, क्योंकि जो अभी टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं वो ऊपर से टूल का नंबर और जो उसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो होता है उसका नाम जो होता है वो हाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर फर्ज करें जी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ iPhone 11 Pro Max वाले पे, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर नीचे करेंगे, ये जो जहाँ पे ये प्राइस लिखी है ना 49.47.99, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपने नीचे करना है, तो ये आपको नीचे एक लिंक आ रहा होगा डाउनलोड टूल विंडो, ठीक है, ये यहाँ से आपने इसको कर लेना कॉपी,
यहाँ से हम न्यू खोल लेते हैं बार, और यहाँ से हम इसको पेस्ट करके इंटर कर देंगे। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको वापस साइट पे ले जाता हूँ और कुछ और बताता हूँ। अभी जब वो टूल आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसके साथ जब आपका मोबाइल आपके पास होगा, आपने पहले अटैच करके देखना है। जब अटैच करोगे तो उसके बाद वो आपको वहाँ पे दिखा देगा इसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो सपोर्टेड है या नहीं है, और वो जो है एलिजिबल है यानी कि वो बाईपास हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब कुछ आपको टूल पे दिखा देगा। जब एक दफ़ा वो कन्फर्म हो जाए कि ये बाईपास हो सकता है, आप इसको बाईपास कर सकते हो, तो उसके बाद आपने उसका ये लिखा हुआ जी iPhone XR 15 प्रो मैक्स नीचे लिखा हुआ है सिग्नल नो नीड चेंज सीरियल नंबर, ठीक है। तो इसका सिग्नल वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर विदाउट सिग्नल लिखे हैं। अपडेट OTA एंड PC, यानी कि इसको एक दफ़ा आप बाईपास कर लोगे इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। तो अब का करना क्या होता है, आपने इसके ऊपर आपने प्लीज़ इंटर सीरियल नंबर, जब आप अपना मोबाइल कनेक्ट करोगे, जब वो दिखा देगा कि ये सपोर्टेड है बाईपास हो सकता है, वहाँ पे इसका सीरियल नंबर आ जाएगा आपके फ़ोन का। वहाँ से आपने सीरियल नंबर कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। नीचे आप कुछ भी नोट लिख दें और कमेंट लिख दें, उसके नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, आप वो ईमेल आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी आप इसको बाईपास कर सकते हो। और यहाँ पे ये डिलीवरी टाइम भी दिया हुआ है, पहले जो टूल था जिसमें आप ये विद सिग्नल बाईपास कर सकते थे, वो तकरीबन काफ़ी दिन ले जाता था, यानी टाइम ज़्यादा लेता था, लेकिन इन्होंने टाइम दिया हुआ जी 1 से 30 मिनट, ठीक है। ये आधे घंटे के अंदर अंदर आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर देते हैं। और इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, इस टूल से अगर आप इसको बाईपास करोगे, आप इसकी अपडेट भी कर सकते हो, आईक्लाउड की आईडी लगा सकते हो, एप्पल पे भी चला सकते हो, एप्पल स्टोर भी आपका चलेगा, लॉक इरेज ये भी आपका होगा, स्किप सेटअप हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आएंगे, फेस टाइम और आई मैसेज भी आपका जो है वो इसमें रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं, तो ये मैका की जो साइट है इस पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो टूल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको टूल को डाउनलोड कर सकते हो। मैं वो तरीका नहीं करूँगा कि इसको लिंक को उठा के अपनी कोई वेबसाइट बना दूँ ताकि आप वहाँ पे जाके इसको बाईपास करो, वो डाउनलोड करो, ठीक है। अभी ये है जी, इस टूल को हमने यहाँ से कर लेना डाउनलोड। अभी इस वक्त ज़रा मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो है स्लो, जिसकी वजह से ये लेगा ज़्यादा टाइम, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो बता दिया आप इस तरह इजीली इसको बाईपास कर सकते हो, आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की या किसी स्टोर से रब्ता करने की, या टिकटॉक से कोई अगर बाईपास करता तो आप वहाँ से देख के उसको बोलो कि ये तरीकाकार है। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा पता चल जाएगा। ये जो IC बाईपास टूल है, इससे आप वो जो देख सकते हैं, आपने देखा है कुछ मॉडल हैं जो विदाउट सिग्नल हैं और कुछ मॉडल हैं जो सिग्नल वाले हैं वो एक्स से पहले पहले, ठीक है। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, अगर आपने उनको भी देखना हो, उनके बारे में भी जानना हो, तो मैं आपको उसकी भी रिव्यू आपको दे सकता हूँ, उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। आपने कमेंट में मुझे बताइएगा तो मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा। तो ये देख सकते हैं टूल आपका कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। अभी ये यहाँ पे इंस्टॉल ऐप है बाईपास सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप ये इनकी ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का टूल होगा, ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरफेस बस आपको मिलेगा, और इसमें कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, सिंपली आपने यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, तो आपका काम जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। और कुछ सेकंड में यानी कि कुछ मिनट्स में आपका जो आप मोबाइल बाईपास होकर आपका वो मोबाइल रनिंग में हो गया है, ठीक है।
तो ये इस तरह का सिस्टम होगा, और इसमें कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपको टेंशन हो कि हमें किसी मोबाइल वाले के पास जाना पड़ेगा या कोई चक्कर है। अगर आप किसी भी मोबाइल वाले से रब्ता करोगे, वो आपसे अपने चार्जेस लेगा। अगर यहाँ पे वो एक हिसाब से $48 पे कर रहा है इस मोबाइल के, 11 प्रो मैक्स के, तो वो आपसे तकरीबन उसमें कुछ $5 या $10 अपने लहदा से ऐड कर लेगा। तो उसमें आपका नुकसान है, खुद पे करो, खुद मोबाइल को करो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग हर बात के लिए शॉपकीपर के पास ना जाओ, उसमें वैसे भी आपका नुकसान होता है, तो आपसे पैसा ज़्यादा लेता है। अगर ना हो तो उसमें आपकी चीज़ें भी गायब कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो ये काम आम है, ठीक है? तो लिहाजा आप ये काम अपने घर पे बैठ के भी खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर कोई भी मुश्किल काम आपको लगे तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन वीडियोस से, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो कैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी दूसरे टूल के बारे में जानना चाहते हैं, आईक्लाउड के बारे में या दूसरा कोई एंड्रॉयड के बारे में, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कुछ लिखी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी तक वीडियो में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।